आज हम आए हुए हैं केदारेश्वर मंदिर जो कि हालीगुरु में स्थित है। इस मंदिर की दीवारों के ऊपर बहुत सारी पुराणों की कथाएं चित्रांकित है। उनमें से एक कथा आपको बता देते हैं जो है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। जब हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद पैदा होता है और वो विष्णु भक्त होता है तो हिरण्यकश्यप उसे मारने के बहुत से तरीके ढूंढता है। वह उसे हाथियों द्वारा मरवाने की कोशिश करता है। वह उसे एक कुएं में डाल देता है जिसमें बहुत सारे नाग होते हैं। यहाँ तक कि वह उसे होलिका के द्वारा दहन कराने की भी कोशिश करता है। उसे असुरों के द्वारा मरवाने की कोशिश करता है। उसे जहर देता है। उसे समुद्र में फेंक देता है। पर जब इतनी यातनाएं प्रहलाद सहन कर लेता है और श्री हरि के विश्वास से उसे कुछ नहीं होता है तो हिरण्यकश्यप उसे पूछता है, तुम्हारे भगवान कहाँ है? और वह बोलता है, मेरे भगवान तो हर जगह है। तब हिरण्यकश्यप एक स्तंभ को देखता है और उससे पूछता है, क्या इसमें भी तुम्हारे भगवान है? जब प्रहलाद हाँ बोलता है और हिरण्यकश्यप उसे तोड़ने के लिए जाता है तो उसमें से श्री हरि प्रकट होते हैं और वह नृसिंह का रूप लेकर के हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। सो दिस इज हाउ द एंटायर टेल ऑफ प्रहलाद एंड हिरण्यकश्यप इज ब्यूटिफुली कार्व्ड इन वन ऑफ आवर टेंपल्स।